नमस्कार, मैं प्रांजलि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। और अब वक्त हो चुका है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर जिला कांग्रेस कमेटी में जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुल्तानपुर में वृहद गौ संरक्षण केंद्र सिरवारा ब्लॉक सुकुरेभार का औचक निरीक्षण कर गौवंश आश्रय स्थलों में गौवंशों को ठंड से बचाव के लिए सीडीओ ने आदेश दिए। सुल्तानपुर में श्रीराम की विख्यात नगरी अयोध्या ने प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत श्रद्धालुओं का तांता लगा। भारी भीड़ और वाहनों की लंबी कतारों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा को लेकर कुरेभार बाजार में एसपी सोमेन वर्मा ने यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। सुल्तानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा के कथित गुंडों के हमले और यात्रा रोके जाने के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमेठी में रणंजय इंटर कॉलेज गौरीगंज के प्रांगण में आयोजित कृषि मेले का शुभारंभ राज्य मंत्री मंगेश्वर शरण सिंह ने किया। अमेठी में घने कोहरे की वजह से वाहनों की स्पीड कम हुई, हालांकि दोपहर में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत हुई। अमेठी में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर देर रात SLMG बेवरेज कोको कोला फैक्ट्री में उत्साह, उमंग, श्रद्धा और भक्ति भावना का माहौल बना रहा, जहां सुंदर कांड पाठ का आयोजन कर रामधुन बजाई गई। अमेठी के सभी थाना अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में बैंक शाखाओं, ATM और ग्राहक सेवा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर बैंक प्रबंधक से CCTV कैमरा, सायरन और सुरक्षा गार्ड आदि के बारे में जानकारी ली। अमेठी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज के परिसर में सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला और सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमेठी में पुलिस अधीक्षक इलाम आर्यन ने रिजर्व पुलिस लाइन में आगामी गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत परेड में शामिल कई टोलियों का निरीक्षण कर 26 जनवरी की मुख्य परेड की तैयारियों का जायजा लिया। अमेठी में सिंहपुर ब्लॉक के फूला में मौजूद जीवनपत दिव्यांग विद्यालय में जिला अस्पताल तिलोई में नेत्र सर्जन डॉक्टर SN रॉय ने दिव्यांग बच्चों को कम्बल बांटा। अमेठी में मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक पुलिस ने महिलाओं को जागरूक किया। अयोध्या में भगवान का दर्शन करने के लिए राम भक्त उत्साहित है, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भक्तों से अपील की है। लखीमपुर खीरी के अजमानी पब्लिक स्कूल में अयोध्या में हो रही भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पाठ किया गया। वहीं बच्चों सहित पूरे विद्यालय परिवार में दिखा भारी उत्साह। वहीं पूरे जिले में हर संस्थानों में सिर्फ श्री राम नाम की ही धुन सुनाई दे रही। लखीमपुर खीरी के सरस्वती ज्ञान मंदिर जूनियर हाई स्कूल में मनाया गया वार्षिक उत्सव, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने नृत्य दिखाकर लोगों के मन को मोह लिया। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इन खबरों को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।